Welcome students, in this video we will do question 2 of exercise 8.2. So let's start. The question is, if the diagonal of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. यहाँ पर question में दिया गया है कि अगर किसी parallelogram के diagonals को equal कर दें तो वो rectangle होगा. ये proof करना है कि वो rectangle हो जाएगा. तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा, जिस चीज को प्रूफ करना होगा. जैसे हमें यहाँ शो दैट है कि इट इज अ रेक्टेंगल, हमें प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है, तो हम डायग्राम हमेशा उसी फिगर का बनाएंगे जो चीज हमें प्रूफ करना है. तो यहाँ फिगर हमें प्रूफ करना है, दिया है कि ये पैरेललोग्राम है, इट इज अ पैरेललोग्राम, बट वी हैव टू प्रूव इट इज अ रेक्टेंगल. सो वी ड्रॉ फिगर ऑफ रेक्टेंगल, बट वी कॉल एज गिवेन एज अ पैरेललोग्राम. सो हियर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. फर्स्ट स्टेप इज गिवेन, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ऑल्सो गिवेन दैट डायगोनल्स आर इक्वल. इट मीन्स इन विच डायगोनल्स आर इक्वल. इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. देयरफॉर AB parallel to CD, AB parallel CD and AB equal to CD and other pair of opposite sides are also parallel and equal. Therefore BC is equals to AD and BC is parallel to AD. So here we mention BC is equals to AD and BC is parallel to AD. And third one is given, diagonals are also equal. Hence AC, diagonal AC is equals to diagonal BD. It is given in the question. Here we have to prove ABCD is a rectangle. जब भी parallelogram से हमें rectangle prove करना होगा तो parallelogram और rectangle में सिर्फ दो properties differ करती हैं. First, diagonals equal होते हैं rectangle में, parallelogram में नहीं होते. तो एक जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ऑलरेडी हमें गिवन है कि डायगोनल्स आर इक्वल, तो वो चीज़ हमें प्रूफ नहीं करना. सेकंड डिफरेंस जो होता है, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो पैरेललोग्राम में अगर हम एक एंगल को 90 प्रूफ कर दें तो सारे एंगल 90 के हो जाते हैं. तो यहाँ पर हमें अगर इस पैरेललोग्राम को जिसमें दो डायगोनल्स इक्वल हैं उसको अगर हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हमें सिर्फ एक चीज प्रूफ करने को रह गया कि एंगल 90 डिग्री का होगा. तो यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. इट मीन्स अगर हम प्रूफ कर दें एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री देन ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. तो वी हैव फोकस एट दिस, हम यहाँ सिर्फ बी को 90 प्रूफ करेंगे तो ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा. तो देखिए अब हम यहाँ पर अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि हमें एक एंगल को 90 प्रूफ करना हो तो हम हमेशा ऐसे दो ट्राइंगल्स लेंगे जो एक साइड कॉमन हो. तो बी सी यहाँ पे अगर हम कॉमन साइड लेते हैं तो दो ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल डी बी सी, इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे. इसमें हमने BC को कॉमन साइड लिया. जब भी एक एंगल 90 प्रूफ करना होगा तो हम ऐसे दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे जिसमें एक साइड कॉमन हो और वो साइड लेंगे जो उस फिगर की एक साइड होगी. तो यहां हमने BC को एक साइड लिया और हमने दो ट्राइंगल्स लिया जिसमें BC कॉमन है, ABC और दूसरा ट्राइंगल DCB. इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं. सो हियर वी मेंशन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी. फर्स्ट इन दीज टू ट्राइंगल्स ए बी इज इक्वल्स टू डी सी. इट इज गिवेन इन द क्वेश्चन, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. If we mention reason, opposite sides of parallelogram, because properties of parallelogram is opposite sides are equal. Therefore, AB is equals to CD. And second, BC is
कॉमन, BC इक्वल BC कॉमन साइड, एंड थर्ड इज गिवन डायगोनल, इट मीन्स साइड AC एंड साइड BD. AC इज ऑफ साइड ट्रायंगल ABC एंड BD इज द साइड ऑफ ट्रायंगल DCB. सो AC इक्वल BD गिवन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, डायगोनल्स आर इक्वल, हेंस ट्रायंगल ABC इज congruent to triangle DCB by triple S rule से दोनों triangle congruent हो गए, because this is side and this is also side of the triangle, so by triple S rule these two triangles are congruent. From here we get angle B is ABC ट्रायंगल का एंगल B इक्वल्स हो जाएगा एंगल ट्रायंगल DCB के एंगल C के, इट मीन्स ABC का एंगल B इक्वल्स टू एंगल C ऑफ ट्रायंगल DCB. सो फ्रॉम हियर वी गेट बायसिपिसिटी एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DCB बाय CPCT, if we name as equation 1. From here it is given also ABCD is a parallelogram, it means AB parallel BC, dono lines parallel hai and BC is any transversal, so angle B, this whole angle B and this whole angle C are the interior angles on the same side of the transversal. So we using co-interior property. Co-interior property में क्या करते हैं, जो interior angles on the same side of the transversal होते हैं, they are supplementary. It means their sum is 180 degree. So इस चीज को हम mention करेंगे. If AB parallel CD and BC is any transversal, this implies that angle ABC, this whole angle, ये इस transversal के इस side में है, interior angle है, क्योंकि AB और CD parallel है, तो this whole angle ABC plus and this whole angle C, it means DCB, angle DCB is equals to 180 degree. Reason mention करिए, co-interior property, therefore their sum is 180 degree. If we see in equation 1, angle ABC is equals to DCB, it means ABC and DCB both are equal, so we replace DCB by angle ABC, so in place of DCB we mention angle ABC, we mention reason here from first, from here ABC plus angle ABC is 2 times angle ABC is equals to 180 degree, angle ABC is equals to 180 upon 2, this is equals to 90 degree, it means angle ABC means angle B, this implies that angle B is equals to 90 degree, here we have proved angle B is equals to 90 degree, therefore this parallelogram is a rectangle, hence parallelogram ABCD is a rectangle. तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो चीज गिवन है और जो प्रूफ करना है, तो डायग्राम हमेशा जो प्रूफ करना है उसका बनेगा, और जिस चीज से डिफरेंट है
जो डिफरेंस है दोनों में बस वो चीज़ प्रूफ करनी होती है। जैसे यहाँ पे इस पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल हो गए तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए सिर्फ एंगल 90 हो जाएगा, तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमने एंगल 90 प्रूफ किया। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय।